हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है स्क्वाड स्टेक की तरफ से। स्क्वाड स्टेक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है सभी के लिए, चाहे आप एक्सपीरियंसड हो, नॉन एक्सपीरियंसड हो, आप स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ हो, एक्सपीरियंसड हो, आपको छोटी जॉब चाहिए, फ्रीलांस जॉब चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए, करियर फोकस्ड जॉब चाहिए, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल। ठीक है, और ये सब बताएं अभी ग्रो करने वाली कंपनीज, ठीक है, तो अभी इन सब का फ्यूचर अभी डेवलप होना है। अभी हो सकता है अभी आप इसका नाम नहीं जानते हो, लेकिन इन फ्यूचर यही सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलन में होने वाली, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती है और इसमें आप मोबाइल से काम कर सकते हो। ठीक है, और फ्रीलांस जॉब रहती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाली है। ठीक है, अभी भी है और इन फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हर तरीके की अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ पे टेक्निकल जॉब भी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। अब देखिए यहाँ फुल टाइम करियर के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ पे एसोसिएट हायरिंग मैनेजर, ये आपका नोएडा के लिए है। फिर ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, ये बेंगलुरु के लिए है। बिजनेस डेवलप इंटर्न है, ये आपका नोएडा के लिए है। ये बिजनेस मैनेजर नोएडा के लिए है। ये देखिए फिर जबलपुर है, गोवा है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर दिल्ली एनसीआर बेंगलोर। ये पूरा कंटेंट राइटिंग इंटर्न की है जो है वो पूरा इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो कंटेंट राइटिंग इंटर्न के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बाकी सारी आप देख पा रहे हो मैनेजरियल पोस्ट है, फिर वो सेल्स रिलेटेड है, इंश्योरेंस रिलेटेड है, और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत तरीके की बैंकिंग से रिलेटेड है, कितने तरीके के पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल ओवर इंडिया के लिए भी है, अलग अलग स्टेट वाइज भी है, नोएडा है, मुंबई है, ठीक है, दिल्ली है, और दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर है। ठीक है, ये देखिए हाइब्रिड जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, हर तरीके की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। तो ये तो मैंने आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस दिखा दी, ठीक है, जो आप करियर पर्पज़ से एक बड़ी पोस्ट चाहते हो। ठीक है, अब मैं आपको ऐसी पोस्ट दिखाऊंगी जो वर्क फ्रॉम होम हो, मोबाइल से आप काम कर सकते हो, फ्रीलांस काम कर सकते हो, पार्ट टाइम काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो, कुछ भी क्वालिफिकेशन है आपकी आप काम कर सकते हो, 18+ वो काम कर सकते हो, हाउसवाइफ वो काम कर सकती हो, या अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप काम कर सकते हो, अपनी अर्निंग निकाल सकते हो, पॉकेट मनी, अच्छी खासी पॉकेट मनी आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, घर से आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की, इवन आप घर वालों की भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो इतना अच्छा, मतलब मैं कहूँगी इतना बेनिफिशियल है ये, और काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि लोकल है, कुछ ब्रांडेड है, ये इन सब कंपनीज के साथ इनका कोलेबरेशन है, टाटा हो गया, डिलीवरी हो गया, कोटक हो गया, एंजल वर हो गया। ठीक है, ये सारे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो टेलीकॉलिंग की जो जॉब है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको सैलरी मिल जाएगी। बहुत आसान वर्क रहेगा, ऐप रहेगा इनका, आप इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जाके असेसमेंट दे दीजिए। ठीक है, स्क्वाड स्टेक नाम से आप इसका ऐप डाउनलोड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद असेसमेंट रहेगा कि आपको फॉर बीइंग अ टेलीकॉलर आपको एक असेसमेंट दिया रहेगा कि आप इसको दो इसके छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, या सपोज़ कि अपना वॉइस जो है रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है, या उन्होंने कुछ लाइनें दे दी कि इसको रिकॉर्ड करके भेज दी, क्योंकि उसमें आपकी वॉइस टेस्ट करेंगे, कम्युनिकेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सब आप प्रोसेस कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आप एज सर्टिफाइड टेलीकॉलर सेलेक्ट हो जाओगे और फिर आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप उसमें सुविधा अनुसार, मतलब कितने घंटे काम करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, जब आपको यहाँ पे जब आप सेलेक्ट हो जाते हो एज टेलीकॉलर और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्क करने की, तो उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गई ना, इतना कंपटीशन हो गया कि फिर यहाँ पे आपको हो सकता है कॉल ना मिले या कम मिले। ठीक है, तो उसको जैसे सपोज़ कि 10 बजे से शुरू होता है और ये 10 बजे से रात को 12 बजे तक हो रहा है, तो आप ये सोचो कि चलो 12 बजे तक है, मैं बाद में करूँगा, तो ये भी हो सकता है कि लीड्स इनकी ख़त्म हो जाए और आपको काम ना मिले। तो शुरुआत में कम से कम जब तक आप स्टेबल ना हो जाओ, जैसे कि 10 बजे से कॉलिंग ना, आप 10 बजे से शुरू कर दो, 10 से 1 कर लो। ठीक है, तो कम से कम जो कंपटीशन है ना, उसमें आप थोड़ा मतलब हार नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि टेलीकॉलिंग जॉब में कहता है जो लीड्स होती हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती है, तो अगर आप
बाद में काम कर रहे हो और लोगों ने पहले सारी कॉल्स कर ली तो आपके पास वो नहीं मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हालांकि इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से असेसमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।